हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का 24 इंच एलईडी टीवी आया है और इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि जो साउंड है इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए एक सॉन्ग प्ले करता हूँ जो बिना कॉपीराइट वाला सॉन्ग होगा, उसके बाद आप देखिए हमें कोई भी साउंड देखने को नहीं मिल रहा है। हम इसके अंदर साउंड जो है मैं फुल कर दिया यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैं टीवी से भी जो बटन से उसको प्रेस करके इसका साउंड जो है मैं यहाँ पे सो कर देता हूँ 99 यहाँ पे देखिए सो हो गया। फिर भी क्या है कि साउंड हमें नहीं मिल रहा है इस टीवी के अंदर से, यानी इसके अंदर स्पीकर भी खराब हो सकता है, इसका जो साउंड आईसी है वो भी खराब हो सकता है या साउंड सेक्शन जो है वो भी खराब हो सकता है। तो ये हमें खोलने के बाद ही पता चलेगा इस टीवी के अंदर आखिर में प्रॉब्लम क्या है। चलिए इसको मैं ठीक करने के लिए सबसे पहले तो इस टीवी को मैं पावर ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद इस टीवी को मैं आपके सामने ओपन करता हूँ और देखता हूँ आखिर में ये प्रॉब्लम किस जगह पे हुई है, क्योंकि ये साउंड का प्रॉब्लम हमें टीवी के अंदर देखने को मिलता है, बहुत सारे तो नहीं कहूँगा लेकिन देखने को मिलता है। तो हम इसे टीवी को खोलने के बाद ही हम बता पाएंगे और हम ठीक कर पाएंगे टीवी को कि हमारा साउंड का प्रॉब्लम किस लिए आ रहा है। जल्दी से मैं इसको खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। दोस्तों हमने इस टीवी को खोलने के बाद इसका जो पैनल है मैंने दूसरे साइड रख दिया हूँ और आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इस तरीके का मदरबोर्ड लगा हुआ है, ये हमारा पावर सप्लाई है। तो हमारा जो प्रॉब्लम होंगे सबसे पहले तो स्पीकर को चेक करेंगे हम और उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए छोटे छोटे दो स्पीकर लगा हुआ है और स्पीकर को चेक करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से हम इसका जैक जो है जैक को निकाल देंगे। सबसे अच्छा होगा कि मैं इसको यहाँ से निकाल ही लेता हूँ। चलिए यहाँ से मैंने निकल लिया इसको, उसके बाद और एक स्क्रू लगा हुआ है इसको भी मैं निकल लेता हूँ। चलिए ये हमारा स्पीकर का वायर है, तो हम एक एक करके अभी दोनों स्पीकर को चेक करूँगा और स्पीकर को चेक करने के लिए हमें चाहिए एक मल्टीमीटर। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को हम रखेंगे बीप बर्जर मोड पर। यहाँ पे देखिए हमने बर्जर मोड पर रखा इस मल्टीमीटर को और आप देखिए बीप साउंड मिल रहा है। तो अब हम एक एक करके दोनों स्पीकर को चेक करेंगे। तो मुझे लगता है कि दोस्तों स्पीकर से कोई भी बीप साउंड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा स्पीकर ख़राब हो चुका है यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारे को स्पीकर के अंदर जो कॉइल लगा होता है और वो कॉइल जब हम चेक करेंगे तो उसके अंदर से बीप साउंड आना चाहिए, लेकिन जब मैं इस स्पीकर को चेक कर रहा हूँ कोई भी हमें बीप साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसका जो स्पीकर है वो ख़राब हो चुका है। ये रहा हमारा स्पीकर, या ख़राब तो हो ही चुका है और इसका पर्दा देख सकते हो इसका, ये भी ख़राब हो चुका है। तो इस जगह पे हमको अब नया वाला स्पीकर को लगाना है और हमारे पास ये सेम टू सेम स्पीकर अवेलेबल है तो उसको हम यहाँ पे लगा ही देंगे। ये देखिए दो स्पीकर हमने बाहर निकालता हूँ दोनों स्पीकर को, ये स्पीकर आप देख सकते हो दोस्तों दोनों के दोनों ख़राब हो चुका है। एक बार आपको फाइनल टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ये हमारा मल्टीमीटर यहाँ पे रहा और इस मल्टीमीटर को यहाँ पे एक प्रॉब और यहाँ पे एक प्रॉब, यहाँ पे बीप साउंड आना चाहिए लेकिन हमें कोई भी बीप साउंड नहीं दे रहा है। तो हमारे पास एक ही रास्ता बच रहा है इस दोनों स्पीकर को रिप्लेस करना। मैं आपको नया स्पीकर का किस तरीके से चेक किया जाता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास ये स्पीकर अवेलेबल है सेम टू सेम, आपको दिखाता हूँ। ये रहा दो स्पीकर देख सकते हो दो, ये न्यू स्पीकर अगर हम इसके अंदर लगाएंगे। चलिए मैं इसको साइड में रखता हूँ और सबसे पहले तो ये दोनों स्पीकर को यहाँ से मैं डिसकनेक्ट कर देना चाहूँगा यहाँ से। और यहाँ से भी
तो ये जो हमारा दो नया स्पीकर है इसको मैं इसके अंदर से बाहर निकालता हूँ। हाँ, और हमारे पास इसको भी मैं बाहर निकालता हूँ। और अब मैं इसको मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखाता हूँ कि जो अच्छा वाला स्पीकर है उसके अंदर से हमें मल्टीमीटर से कैसा साउंड आ रहा है। अब एक बार देख लीजिए, देखिए बीप साउंड आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन जो हमारा पुराना वाला स्पीकर था यहाँ पे देखिए कोई भी साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे देखिए इसको भी एक बार चेक करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो अब हमारे को क्या करना है, दोनों जो स्पीकर को हम यहाँ से जोड़ देंगे। और दोस्तों अगर आपको ये स्पीकर चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से जाके ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास सारे जो एलसीडी रेडियो पार्ट्स है वो अवेलेबल होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का प्रोडक्ट चाहिए एलसीडी एलईडी टीवी का, वो हमारे ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएंगे। ये देखिए दोनों स्पीकर को मैंने यहाँ पे सोल्डर कर दिया हूँ, और अब मैं इसको टीवी के अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ, और उसके बाद में इसके अंदर जो सारा जो असेंबलिंग प्रोसेस है वो हम कंप्लीट कर देंगे। तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पे दोनों जो स्पीकर है हमने इंस्टॉल कर दिया हूँ, न्यू एकदम ब्रांड न्यू। तो अब जहाँ पे जो लगा हुआ था हम उसी तरीके से इसको हम लगा देंगे, और उसके बाद हम एक बार चालू करके देखेंगे कि ये हमारा जो साउंड का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो हमारा जो स्पीकर रिप्लेस करने का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम एक बार इसको चेक करके देख लेंगे कि हमारा जो साउंड का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले हम HDMI केबल को यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा जो स्पीकर को रिप्लेस करने के बाद टेस्टिंग का बारी आते हैं। तो मैं YouTube को ओपन करता हूँ, और उसके बाद हम जो है इसका साउंड चेक करेंगे कि साउंड सही से हमें मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि नहीं हमने यहाँ पे न्यू स्पीकर को इंस्टॉल करा हूँ। दोस्तों अगर आपके पास LED हैलोजन है, या आप LED हैलोजन का बिजनेस करते हो, या आप जनरेटर वगैरह किराए पे देते हो, तो आप लोगों के पास इस टाइप का LED वाला पैनल होता है, और ये बहुत ही खराब होते हैं दोस्तों। खराब तो बिल्कुल ही होता है, और खराब होने के बाद उसको रिपेयर करने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों देख लिया आपने हमारा जो साउंड का प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो चुका है। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो साउंड प्रॉब्लम रिपेयरिंग का प्रोसेस है कम्प्लीट आपको पता चल गया होगा। तो अगर ये दोनों स्पीकर सही थे या सही होते तो हम जो है इसका जो साउंड सेक्शन होता है उसको हम मॉडिफाई करके ठीक करते। तो मैंने मॉडिफाई करने का प्रोसेस भी हमने इसी चैनल पर अपलोड करके रखा हूँ। आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है कि जो साउंड सेक्शन होता है वो किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा कि कोई भी LCD LED टीवी का मदरबोर्ड के अंदर साउंड सेक्शन को कैसे मॉडिफाई किया जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।